खबर अलवर से। अलवर में राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ आम के साथ अब खास को भी मिल रहा है। गरीब मजदूर को इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों का मुफ्त उपचार मिल रहा है। वहीं उसके मालिक को भी इस योजना से जुड़ने के बाद फ्री जांच, उपचार एवं ऑपरेशन की सुविधा मिल रही है। जिला मुख्यालय पर स्थित राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के अंतर्गत 21,032 मरीजों को 43,000 बीमारियों का पैकेज दिया गया है। इसमें जांच एवं ऑपरेशन शामिल है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम पर शुरू हुई यह योजना का नाम 1 मई को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान सरकार ने कर दिया था। यह योजना गरीब चयनित मजदूरों के अतिरिक्त शेष रहे सभी नागरिकों के लिए भी अब वरदान साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य की दृष्टि से शुरू की गई इस योजना का नाम महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना करते हुए राजस्थान का प्रत्येक नागरिक इस योजना से जुड़कर महंगा उपचार फ्री में ले सकता है। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में योजना प्रभारी चिकित्सक लव कुदनानी ने महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस योजना से अधिकतम परिवारों को जुड़ने की मंशा से प्रत्येक परिवार को 850 रुपये जमा कराने पर वर्ष भर के लिए अधिकतम 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया है। राजस्थान सरकार की इस योजना के लाभ की जानकारी देते हुए कुन्नानी ने बताया कि योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मरीजों के उपचार के बदले जो राशि सरकार बीमा कंपनी को दी जाती है, उस राशि में से बीमा कंपनी के द्वारा कुछ अंश चिकित्सालय को दिया जाता है। सरकार की ओर से IPD और OPD दोनों में सभी जांचों सहित उपचार निशुल्क कर दिया गया है। इससे MRS की आमदनी कम हो गई है, लेकिन योजनाओं से यह फायदा हो पाया है कि अस्पताल को अब काफ़ी राशि प्राप्त हो जाती है और वह राशि चिकित्सालय के विकास में काम आती है। और कितने लोग अब तक एक साल, मतलब एक साल का जो आंकड़े की बात करें तो कितने लोग इससे लाभान्वित हुए? भाई, अपने राजीव गांधी अस्पताल में योजना को शुरू हुए तो काफ़ी समय हो गया है। उस समय ये योजना भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से संचालित होती थी। पिछली साल 1 मई से इस योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया गया। उसके बाद भी इस योजना का नाम आयुष्मान भारत राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है। योजना वही है, इसका नाम में परिवर्तन किया है। बाकी इस योजना में अधिकतम फैमिलीज़ को इस योजना से पंजीकृत करने की मुख्यमंत्री जी की योजना है, जिससे अधिकतम परिवारों का, अधिक से अधिक परिवारों का, चाहे वो गरीब मजदूर हो चाहे वो उसका मालिक हो, उनको शामिल करने की ये एक बहुत अच्छी योजना है। अच्छी योजना इन द सेंस कि जो गरीब हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, वे तो निशुल्क ही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन जो सामान्य नागरिक हैं, आप और मेरे जैसे, या सामान्य जो अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं उनको केवल 850 रुपये वार्षिक दे करके इस योजना में नामांकित कर दिया जाता है। और पूरे परिवार को पहले पाँच लाख रुपए प्रतिवर्ष का उनको लाभ दिया जा रहा था अपना सभी बीमारियों का, अब उसको भी बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया। सर, अभी एक साल की बात करें, अपन 1 मई से स्टार्ट हुई थी और 30 अप्रैल 2022 तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? क्या इस योजना में, इस पिछले वर्ष जो अब 30 अप्रैल को ख़त्म हुआ समय, उसमें 21,032 मरीज पूरे लाभान्वित हुए। नंबर ऑफ पेशेंट्स का संख्या तो 21,032, और उनमें उन्होंने करीब 43,158 बीमारियों का पैकेज लिया है, क्योंकि कभी कभी एक मरीज के दो पैकेज भी हैं, वो जांच भी करवा रहा है और वो ऑपरेशन भी करवा रहा है, तो उसमें जांच का पैकेज अलग और ऑपरेशन का पैकेज अलग मिल जाता है। तो इसलिए 43,158 पैकेजेस बुक हुए और 21,032 मरीजों को लाभ इस योजना में लाभ मिला है।
और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि जो राशि सरकार इंश्योरेंस कंपनी को देती है वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू पैकेजेस बुक हुए और 21,032 मरीजों को लाभ इस योजना में लाभ मिला है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि जो राशि सरकार इंश्योरेंस कंपनी को देती है वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू अपने को रिइम्बर्समेंट भी हो जाती है, उसको उसका कुछ अंश अपन को प्राप्त भी हो जाता है जो अस्पताल के विकास में काम आता है। ठीक है, इस आधार पे MRS में, क्योंकि अब आप देखिए IPD और OPD दोनों ही मुख्यमंत्री जी ने सभी जांचों समेत निःशुल्क कर दिया, तो MRS की इनकम अपने आप ही कम हो गई है ये देखा जाएगा। तो इन योजनाओं से ये फ़ायदा है कि मरीज को तो निःशुल्क इलाज मिल ही रहा है लेकिन अस्पताल को भी अपना इसी योजनाओं के तहत काफ़ी राशि प्राप्त हो जाती है और वो अस्पताल के विकास में काम आ जाती है।